भारतवर्ष में सिद्धा चिकित्सा पद्धति बीमारियों की इलाज की पुरानी चिकित्सा पद्धति है। ऐसी मान्यता है कि यह आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से भी ज़्यादा पुरानी है। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में 3री से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। इस चिकित्सा पद्धति में भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की तरह रोगों का इलाज जड़ी बूटियों से होता है। भगवान धन्वंतरी को जहाँ आयुर्वेद का जनक माना जाता है, वहीं ऋषि अगस्त्य को सिद्धा चिकित्सा पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इस पद्धति का अभ्यास सिर्फ दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल राज्य में ही होता है। हमारी आज की जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ जैसे तनाव, अनिद्रा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा इत्यादि के इलाज में इस पद्धति का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा चर्म रोग जैसे सोरासिस, यौन संचारित रोग, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन इन्फेक्शन, लिवर से जुड़ी बीमारियां, एनीमिया, डायरिया, आर्थराइटिस यानी गठिया और एलर्जी का इलाज इस पद्धति से किया जाता है। आयुर्वेद की तरह ही सिद्धा में भी 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। हाँ, सिद्धा और आयुर्वेद में एक अंतर जरूर है कि सिद्धा औषधि को बनाने में जड़ी बूटियों के अलावा धातु और खनिज पदार्थों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे सल्फर, अभ्रक, पारा आदि। इस पद्धति में 7 अंग मानकर इलाज होता है, जैसे प्लाज्मा, रक्त, मांसपेशियां, टिश्यूज, हड्डियां, नसें और सीमन यानी शुक्राणु। मरीज की नब्ज, त्वचा, जीभ, चेहरे का रंग, बोलने का तरीका, आँखें, उसका पेशाब और उसका मल देखकर बीमारी की पहचान होती है। नब्ज की जांच को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। सिद्धा चिकित्सा पद्धति में 3 अलग अलग तरीके से इलाज किया जाता है। पहला देव मारुथुवम यानी देवीय पद्धति, जिसमें धातु और खनिज से बनाई गई दवा को काम में लिया जाता है। दूसरा मानिदा मारुथुवम यानी तर्कसंगत पद्धति, जिसमें जड़ी बूटियों से तैयार की गई दवाइयों का इस्तेमाल होता है। तीसरा असुर मारुथुवम यानी सर्जिकल मेथड, जिसमें चीरा लगाया जाता है और ऑपरेशन किया जाता है। एक बात और, सिद्धा चिकित्सा के तहत इलाज में अलग अलग दवाइयों के साथ रोगी को योग और प्राणायाम भी कराए जाते हैं, ताकि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर दीर्घकालीन जीवन प्राप्त करे। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने इस पद्धति के तहत कवासुरा कुडिनीर नाम का एक मिशन तैयार किया है, जिसके प्रयोग से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है।